हैदराबाद के आवाम से भी ये कहना चाह रहा हूँ कि ये ऐसे चक्करों में नको पड़ो, हम करें गलती आप मत करो, एहतियाती करो बस। मतलब उन्होंने पूरा घेरे में लिया बुरों को धीरे धीरे लेके जो है एक बहुत बड़ा स्कैम कर रहे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ अपने हैदराबाद तेलंगाना की आवाम से भी उठा रहा कि भाई देखो जैसा आज हम लोग पैसे डाल के परेशान है, अल्लाह के वास्ते आप लोग कोई भी ऐसे स्कैमों में नको जाओ। अगर कोई 100 रुपये भी इन्वेस्ट करो बोल रहे तो उसको लात मार के हटा लो, ठीक है। ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान जो भी लेके आ रहा उन लोगों को मतलब आप लोग एकदम इग्नोर कर दो, उन लोगों के चक्कर में नको जाओ, उनकी बातों में नको। यहाँ तक कि अपना सग्गा भाई भी अगर आपको आगे बोल रहा भाई इन्वेस्टमेंट है करो बोल के, उसको समझाओ तो उससे दूर हो जाओ। लेकिन 10,000-15,000 के ऊपर ही जितने भी इन्वेस्टमेंट प्लान है बोल दो भाई, एक उम्मीद लेके एक आस लेके डाल दिए चलो भाई कुछ भी आता होगा। वो क्या है कैस्ट्रॉल एनर्जी फंड, अब उन्होंने जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेशन बताया यहाँ पे सबको, कंप्लेंट देने आए अंबरपेट पीएस पे, लेकिन एसआई साहब बोल रहे कि साइबर क्राइम में जाके कंप्लेंट दियो, ये फ्रॉड सीसीएस में, हाँ सीसीएस में जाके कंप्लेंट दियो, ये स्कैम के फ्रॉड के केसेस पूरे वहीं से होते यहाँ पे न होते बोल के बोले। बस गुजारिश यही है भाई, ऐसा लोग ये जो स्कैमर्स है ये स्कैमर्स है इन लोगों को सजा दियो, और इन लोगों को चाहे थोड़ा अलर्ट, इन लोगों से अलर्ट रहना जरूरी है अपने पूरे। क्या काम करते हैं भाई, जितने भी भाई ऑटो चलाने वाले हैं, तरकारी बेचने वाले हैं, इसमें कोई ड्राइवर है, हर कोई है इसके अंदर, मंडी चलाने वाले, कोई 8,000 तनख्वाह, किसी को 10,000 तनख्वाह है, ये पैसे अपने कोई सोना रखा लिए, कोई गाड़ियाँ रहन में डाल लिए, कुछ भी करके भाई एक जरिया बनता हमारा कमाने का बोल के वो हिसाब से हम लोग करें। और हम लोग इस पर यकीन नहीं आता था, उन्होंने बाजबता हम लोगों को बुला के ZNR जो फंक्शन हॉल है लालबाग पे वहाँ पे बुलाए, मीटिंग है भाई तुम लोग आओ, यकीन नहीं आ रहा तो हम लोग यकीन दिलाते, उनका इन्वेस्टमेंट हम लोगों को बताए। अब वो फ्रॉड है वो उनका, उसके साथ क्या है वो हम लोगों को नहीं मालूम था, हम उनको देख के हम यकीन करें। हम लोग मेरी अकेले की फैमिली से मेरे खलेरे भाया मेरे बहनों के पूरे टोटल कम से कम 2,80,000-3,00,000 के ऊपर पैसे हम लोग हमारी फैमिली से इन्वेस्ट करे, हमारे बहनों लगा सोना रखे, मैं मेरी गाड़ी रहन में डाल लिया, एक जरिया बन जाता भाई, वो हिसाब से करें हम लोग। तो अब हम लोगों को हुकूमत से ये गुजारिश है कि भाई हम लोगों को इंसाफ होना बस, दूसरा कुछ भी नहीं, हमारे पैसे हम लोग को आ गए तो बस है, मेहनत मजदूरी करके करने वाले हैं भाई हम लोग, हम लोगों को कुछ प्रॉपर्टी वगैरह कुछ भी नहीं है, सुबह से शाम तक मेहनत करें तो हम लोगों के पास पैसा जमा होता, लिहाजा ये एक ही बात है, हमारा पैसा हमारे को वापस आ गया तो बस है हम लोगों को। और लिहाजा मैं मेरा नाम खयामुद्दीन खान है और हम अंबरपेट मुकामी हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है हम लोग के साथ। अंबरपेट मुकामी कैस्ट्रॉल एनर्जी फंड के नाम से एक बंदा जो है हम सबको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लान दिखाया, और उसका नाम है यया खान, ठीक है। वो तकरीबन बंदों को एक इवेंट करा के पूरा अपना प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट प्लान एवरीथिंग हर चीज़ दिखाया करा, और सबको लालच दिया कि भाई आप लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट करो, आप लोग को जो है फंक्शन हॉल का नाम ZNR फंक्शन हॉल लालबाग की तरफ है, ठीक है। तो वो बंदा जो है सबको इन्वेस्टमेंट प्लान दिखाया और बोला 3,500-5,000-15,000 के स्कीम से यहाँ पे आप लोग अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आप लोग को डेली 350-400 का मुनाफा होता। अब यहाँ के तकरीबन लोग जो है उनकी बातों में आ गए और पैसा इन्वेस्ट कर दिए, बहुत से बहुत एक 10 से 15 दिन चला वो, ठीक है। उसके बाद सडन बंद हो गया। अब वो बंदे को हम कॉन्टैक्ट कर रहे, वो बंदा ना तो फ़ोन लिफ्ट कर रहा और ना ही हमसे कोई मिलने की बात कर रहा। अंदाजा मैं समझता हूँ अंबरपेट के 100 से 150 लोग होंगे जो ये स्कैम में फंसे एट प्रेजेंट। ये जितने भी मेरे पीछे लोग खड़े हुए ये सब इसमें इन्वेस्ट करे पैसा। भाई टोटल कितना अमाउंट है टोटल? देखिए भाई एक टेलीग्राम पे चैनल है उनका, वो चैनल पे 700 के ऊपर लोग ग्रुप में ऐड है, ठीक है। अगर 5,000 से भी अगर आप पकड़ेंगे हिसाब 700 आदमी का तो 3 करोड़ के ऊपर जा रहा हिसाब, एक छोटा सा हिसाब है। लेकिन यहाँ पे कई सारे बंदे ये हमारे भाई है ना 30,000 रुपये इन्वेस्ट करे, ये भाई आप कितने करें? मेरे फैमिली वाले 185,000। और इनके फैमिली मेंबर 185,000। और हमारे जलाल भाई आप कितने करें? 16,000 भी करा। तो मतलब यहाँ पे ठीक है कि ये एक्सेलेंस ऑफ सर्टिफिकेट है, ये कंपनी जो है जेन्यून है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है। तो बहुत सारे ऐसे बात करे भाई, तो तकरीबन लोग क्या है उनकी बातों में आ गए। 2017 से चल रही 2017